উত্তর প্রদেশের ফরুখাবাদের অজিতেশ শর্মা এবং ছত্তিশগড়ের বালুদা বাজারের সৌরভ দেওয়াঙ্গন নামে দুই থিয়েটার আর্টিস্ট ভারতবর্ষের মোট 28টি রাজ্যে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। দুজুরি রায়পুর ছত্তিশগড় থেকে 2021 সালের 7 অক্টোবর পদযাত্রা শুরু করে আজ অবধি ভারতবর্ষের 8টি রাজ্যে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ সম্পন্ন করে দিয়েছে তারা। মূলত অরুণাচল, সিকিম, আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ এবং মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। বার্ন ক্যালোরিজ নট ফুয়েল এই স্লোগানকে পাথেয় করে ভারতবর্ষের দুই সংস্কৃতি মনস্ক যুবক পায়ে হেঁটে এত বিশাল মাপের পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রতিটি রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ তাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। পদযাত্রীরা জানায়, ভারতবর্ষের শান্তি সম্প্রীতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কালচার এবং ঐতিহ্যের সমন্বয়ে দেশের ঐক্য এবং সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে তাদের এই প্রয়াস। তারা জানিয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের সবকটি পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করে রাজ্যের সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনের নিরিখে ত্রিপুরা রাজ্যকে গোটা ভারতবর্ষে তুলে ধরার প্রয়াস জারি রাখবে। मेरा नाम अजितेश शर्मा है और मैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सौरभ देवांगन, मैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मूल उद्देश्य हमारा ये है कि हमको पूरा भारत का कल्चर, भारत का नेचर और भारत के लोग, भारत की संस्कृति, भाषाएं जो अलग अलग हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने निकले हैं। और साथ ही साथ हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने निकले और भारत दर्शन करने निकले हैं। हम लोग निकले थे 7 अक्टूबर 2021 को रायपुर छत्तीसगढ़ से। अभी तक हम लोग 8 स्टेट अपने पूरे कर चुके हैं। लाइक छत्तीसगढ़ से हमने 7 अक्टूबर 2021 को शुरू किया था, देन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को पूरा करते हुए हम लोग पहुँच गए अभी त्रिपुरा। ये आपका पानी सागर नामक एक जगह है वहाँ पर, और हम अभी तक करीब 4500 किलोमीटर चल चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं पैदल। और हमारा एक मैसेज है जो है कि बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल, जो हम पूरे इंडिया के लिए लेके चल रहे हैं, जो कि हम इसमें लिखा हुआ है बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल, वो हम लोग लेके चल रहे हैं। एक मैसेज कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं, लाइक 100 मीटर 200 मीटर, ये जो छोटे छोटे वॉकिंग डिस्टेंस होते हैं, उसको आप पैदल चलिए, मोटर बाइक का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए, क्योंकि फ्यूल लिमिटेड है। आपको भी पता है, सबको पता है कि फ्यूल एक टाइम बाद ख़त्म हो जाने वाला है, तो अगर आप अभी बचाएंगे तो वो फ्यूचर में काम आएगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जितना हो सके पैदल चलिए, लाइक सामान लाने के लिए या फिर कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं उसके लिए पैदल चलिए। রাজ্য পরিক্রমা শেষে বাকি রাজ্যগুলোতে প্রবেশ করবে তারা। পাশাপাশি তারা পদযাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্য সরকারের সহযোগিতার আহ্বান রাখেন। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজেস্ট নিউজ।